हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बीएड के एग्ज़ाम में आपको आंसर कैसे लिखना है ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स अच्छे मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं पता होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन अगर आप बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ अनुभव होगा और कुछ अनुभव मैं आपको अपना बताती हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को कितनी मिनट देनी है और किस क्वेश्चन को में आपको कितने पेज फिल करने हैं, और ये भी बताऊंगी कि आंसर आपने कैसे लिखना है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका टोटल 80 मार्क्स का, और उसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 3 आवर्स का। 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स में आपको कन्वर्ट कर लेना है। अब इसके अंदर जो आते हैं आपके क्वेश्चन, वो 2 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके 4 मार्क्स के, और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं। इसी तरह से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं आपके 16 मार्क्स के, और इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन जो ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं आपके यूनिट वाइज, यानी हर एक यूनिट में से आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 2-2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन करना ज़रूरी है। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के, इसमें से आपको सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं। जैसे आपके 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन ही आओगे आपके 16 मार्क्स के, और 16 मार्क्स के आप 4 क्वेश्चन करोगे ये हो जाएंगे आपके 64 मार्क्स के। टोटल आपके 80 मार्क्स का इस तरह से आपका पेपर बनता है। दोस्तों, जो आपको एग्ज़ाम सीट मिलती है वो होती है आपकी 36 पेजेस की, यानी किसी किसी में 35 होते हैं, किसी में 36 होती हैं। आप उसको देख लेना, आपको 35 वाली मिलती है या 36 वाली। दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले 5 या 10 मिनट पहले आपको क्या दे दी जाती है, आंसर सीट। आंसर सीट क्यों दे दी जाती है, ताकि आप उस पर अपना नाम, रोल नंबर वगैरह फिल कर सको। अब क्या होता है कि जब आप अपना नाम, रोल नंबर फिल कर लेते हो तो उसके साथ साथ ही आपने उसमें पेज की काउंटिंग कर लेनी है। अब उसका फ़ायदा एक ये होगा कि आप जब पेज की काउंटिंग कर लोगे, यानी आप कोने में पेज नंबर लिख लेना 1, 2, 3 ऐसे, इस तरह से, तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी शीट में पेज कम है तो आप उसको वहीं पर चेंज करवा सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितनी पेज फिल करने हैं इसके लिए भी ये बेनिफिट है, आपको बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस काउंटिंग का एक फ़ायदा ये भी है। अब दोस्तों, कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट और अच्छा लिखते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि जो सिर्फ पेज भरते रहते हैं। तो दोस्तों, आप अपने माइंड से ये बात बिल्कुल ही निकाल देना कि जो आंसर शीट भरने से आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो वेल एजुकेटेड होता है, और वो शुरू में ही आपके आंसर को देखकर ही ये पता लगा लेगा कि स्टूडेंट कैसा है, यानी उसने कैसा आंसर वहाँ पर लिखा है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किस क्वेश्चन को कितनी टाइमिंग देनी है, यानी आपके जो टोटल टाइमिंग है वो है 180 मिनट्स, और आपके क्वेश्चन हैं यानी 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। सबसे पहले हम 16 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको 35 मिनट्स एक क्वेश्चन में देनी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन में 35 मिनट्स दोगे तो आपके 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं, तो 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं तो 4 को आप 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बनेगा, 140 मिनट्स। यानी आपके 140 मिनट्स में जो है 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास जैसे टोटल 180 मिनट्स थी, उसमें से 140 निकाल के आपके पास
कितनी बचती हैं, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में आप क्या करोगे, जो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है यानी 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, यानी इन 4 मार्क्स को 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करोगे। इस तरह से ये टाइमिंग मैनेज होती है। अब आप, मैं ये बता देती हूँ कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट जब करोगे तो उसके अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद आपके लॉन्ग आते हैं। देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो मैं ये बता देती हूँ कि सबसे पहले आप वो क्वेश्चन करो जो आपको सबसे अच्छा आता है। यानी अगर ये, मैं ये करती थी कि लॉन्ग क्वेश्चन पहले और शॉर्ट बाद में। इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले करते हो तो आपकी जो शुरू में स्पीड होती है वो बहुत धीरे होती है। यानी एग्ज़ाम जब लिखते हो, शुरू शुरू में आपका हाथ नहीं चलता और पेपर लिखने के लिए आपको स्पीड की ज़रूरत होती है। तो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब 35 मिनट्स की जगह आपके 40 मिनट भी लग जाते हैं और 45 मिनट्स भी। यानी या तो 40 मिनट लगेंगे या 45 मिनट्स, यानी 5 से 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा वहां पर लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका फ्लो बन जाता है स्पीड का और फिर आप फटाफट क्वेश्चन लिखने लग जाते हो। तो लास्ट में जब हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो ये हमारा एक क्वेश्चन ही 5 मिनट के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाता है। यानी 5 मिनट के अंदर अगर हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कितने थे, 4, यानी हमारे 20 मिनट्स में या 25 या 30 मिनट्स लगा लो हम, 30 मिनट यानी आधे घंटे तक ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी जो 10 मिनट एक्स्ट्रा बची थी हमारी, यानी 40 मिनट्स हम शॉर्ट को दे रहे थे तो 10 मिनट जो एक्स्ट्रा बची थी वो हमारी यहाँ पर ऐड हो जाती है। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है और जो भी आपको सबसे अच्छा आता है, अच्छा यहाँ पर मतलब जो जिसमें जिसका आपको हर एक चीज़ पता है, तो वो क्वेश्चन यानी कंसेप्ट आपका क्लियर है, वो क्वेश्चन सबसे पहले करो। उसमें पहले करने का फ़ायदा क्या है कि जब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो क्या है, जो हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे वो क्या है, हमें सबसे अच्छा लिखना है, जो हमें सबसे अच्छा आता हो। इसके लिए आप क्या करोगे, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है टाइमिंग में, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे और उसमें साथ के साथ टिक कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन आप पेपर में लिखने वाले हो। इससे क्या होगा कि आपको दोबारा दोबारा से क्वेश्चन को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जिस पर टिक करोगे आपको वही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पर आपको उस क्वेश्चन को लिख दोगे। ये तो थी हमारी टाइमिंग मैनेजमेंट और क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। यानी सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसके सबसे लास्ट में हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आती है कि हम जो क्वेश्चन लिखेंगे उसके लिए हम कितने पेज फिल करें, यानी पेजेस कितने भरे जाएं उसके अंदर कि हमारा क्वेश्चन अच्छा भी बने, अट्रैक्टिव भी हो और हमें मार्क्स भी अच्छे मिल जाएं। तो जो हमारी आंसर शीट होती हैं अगर हम उसके हिसाब से देखें तो देखो, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है हमारा, उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें 2 शीट फिल करनी पड़ती है। 2 शीट जैसे एक खड़ी शीट, यानी आगे पीछे का पेज, ये हो गया 2 पेज, 1 2। इस तरह से आपको वहाँ पर 4 मार्क्स के लिए इतनी शीट आपको सफिशियंट है। उसके बाद आती है आपकी 16 मार्क्स की। अब जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 पेजेस भरने हैं। इस तरह से आप इसको डिवाइड करोगे अगर, तो जैसे 7 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गए 28 पेज, और 2 इससे करोगे तो ये हो गए आपके 8 पेज, यानी टोटल आपके 36 पेजेस बनते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो पेपर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगा और जो आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट है और पेज को फिल करने की जो मैनेजमेंट है वो क्या है, आपके पेपर को अच्छा बना देती है।
तो दोस्तों जो हमने यहाँ पर नंबरिंग लिखी थी, ये हमारे क्वेश्चन के पेज फिल कितने करने हैं उसमें भी एक फ़ायदा करती है। जैसे क्या था कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन के 7 पेज भरने हैं, तो हमें पता होगा कि 1 से 7 तक हमें एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो उससे क्या होगा कि हमें बार बार पेज को काउंट नहीं करना पड़ेगा कि हमने कितने पेज फिल कर दिए। तो 7 पेज तक हमें एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है, फिर 14 तक सेकंड क्वेश्चन, फिर ऐसे 21 तक थर्ड क्वेश्चन, ऐसे आप 7 की टेबल काउंट करते जाओगे तो 28 तक आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप करोगे शॉर्ट क्वेश्चन, यानी उसमें क्या क्या फिल करना है, आपके 2 पेज यानी एक क्वेश्चन में फिल होगे, वो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया हो, क्वेश्चन दिया हो, तो वो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, यानी किस तरह से आपका पैटर्न हो कि आपके मार्क्स वहाँ पर अच्छे आ जाएं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मान लो आपका कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इंट्रो। इंट्रो में आप उसकी इंट्रो दे दोगे जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इंट्रो के बाद क्या आती है, जैसे उसकी डेफिनेशन लिख दोगे। डेफिनेशन जो लिखनी है वो लिखनी है कम से कम 2, और जो भी आप डेफिनेशन लिखोगे वो आपकी होनी चाहिए इन्वर्टेड कॉमे में। इससे क्या होगा कि मतलब एक तो कई बार एग्जामिनर सोचता है कि एक तो जो मान लो आपने एक डेफिनेशन लिखी है कि वो बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं किसी की देख के या तुक्का मार के इसी तरह से, लेकिन आप 2 डेफिनेशन लिखोगे वहाँ एग्जामिनर को ही लगेगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो अच्छे से क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करोगे, डेफिनेशन के बाद आप ये लिखोगे कि इन परिभाषाओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि, मतलब ये लाइन वहाँ पर लिखनी है। जब आपने 2 डेफिनेशन लिख दी उसके बाद क्या लिखोगे कि इन परिभाषाओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि, मतलब वर्डिंग क्या है वो आपने अपने वर्डों में लिखनी है आगे, बस ये लाइन लिख के उसके बाद आपने अपने वर्डों में उस चीज़ को डिफाइन करना है जो भी आपसे पूछा गया है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ रखा है, और वो आपके व्यूज़ भी जानना चाहेगा कि आपका व्यू क्या है। तो ये क्या है, आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, उसके करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स जब लिखोगे तो अगर आपसे करैक्टरिस्टिक्स पूछ रखे हैं, मान लो वहाँ पर मेंशन है कि इसकी विशेषताएं यहाँ पर लिखो, तो आपने लिखनी है हेडिंग में, हेडिंग लिखोगे। और अगर आपसे वहाँ पर नहीं पूछ रखा कि इसके करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, तब आप क्या है सिंपल लाइन में 1, 2, मतलब एक लाइन वाइज यहाँ पर 5 से 6 करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिख दोगे। इससे भी एग्जामिनर अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रखा है, मान लो प्रिंसिपल पूछ रखे हैं, टाइप्स पूछ रखे हैं, टाइप्स हो गया, सोर्सेस हो गया, कुछ भी पूछ रखा है वो आप आगे लिखते जाओगे। और अगर लास्ट में उसका क्या है, कॉन्क्लूजन भी जरूर लिखना। और अगर किसी क्वेश्चन का एजुकेशन इम्प्लीकेशन पूछ रखा है तो उसको लिखना मत भूलना। अगर नहीं भी पूछ रखा और उस क्वेश्चन का एजुकेशन इम्प्लीकेशन है तो हम वो भी ऐड कर देंगे। इससे भी आपका क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव बनता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बताया कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, आंसर शीट पर कैसे लिखना है, टाइमिंग कैसे मैनेजमेंट करनी है। और हाँ एक बात और दोस्तों, आप ना पेपर में अपनी घड़ी लेकर जरूर जाना, क्योंकि आप घड़ी लेकर जाओगे उसमें आपको टाइम का पता चलता रहेगा। एक बात और, अगर आप वहाँ पर मान लो पेपर की टाइमिंग 9 से 12 बजे की है, तो आप उसमें पहले ही आइडिया लगा लेना कि जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो 9:35 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जैसे सेकंड क्वेश्चन है मेरा, वो है 10:10 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मेरा यानी 10:45 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो फोर्थ क्वेश्चन है मेरा वो आपका 11:20 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाद में आपके 40 मिनट्स बचते हैं, वो आप शॉर्ट क्वेश्चन को दे सकते हो।
और अगर आपके मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइमिंग ज़्यादा लग रही है स्पीड की वजह से, तो मान लो या 9:35 की जगह 9:40 आ गया, तो आप इसमें 5 5 मिनट ऐड करते जाओगे। इस तरह से आप इस चीज़ को पहले ही मैनेज करके चलना, ताकि आपको आपका जो ध्यान है पेपर में सिर्फ लिखने की तरफ हो, जिससे आपको मार्क्स गेन करने में आसानी हो। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आप इस तरीके से पेपर में पेपर को एग्ज़ाम को इस तरह से अटेम्प्ट करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।